बहुत ज़्यादा, मतलब इससे इतना मज़ा मुझे लाइफ में कभी आया नहीं होगा जितना मज़ा आया मेरे को, बहुत मज़ा आया। ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस सबसे पहली बात तो आज नवरात्रि जो है ख़त्म होती है, आज नवरात्रि का नौवां दिन है एंड आज रामनवमी भी है, तो हैप्पी रामनवमी आप सबको मेरी तरफ से। एंड आप लोग सब लोग अच्छा करो, हेल्दी रहो एंड हेल्दी लाइफस्टाइल जियो एंड कभी भी किसी से भी उलझो मत, जैसे हम नहीं उलझते वैसे। तो वही चीज़, तो गाइज अभी उठे हैं, अभी नहीं काफ़ी टाइम से उठ गए हैं एंड जो है फास्ट वगैरह जो है तोड़ दिया है। कल मेरा फास्ट था, फर्स्ट डे और नाइन्थ डे, फर्स्ट डे और एट्थ डे का जो भी पहला और आखिरी बोलते हैं, तो फास्ट था तो फास्ट भी खोला एंड नाश्ता वगैरह किया, नहाया धोया नहीं अभी तक। थोड़ा सा सीन हो गया है गाइज, उसी को लेके मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, वो क्या हो गया है आपको आगे बताएंगे फुर्सत से। अभी फिलहाल चलते हैं, पहले नहा धो के आते हैं या काम वाम थोड़ा सा जो निपटाते, क्योंकि वो जो टेंशन है ना, वो टेंशन से थोड़ा सा मैं डील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो उस टेंशन को पहले थोड़ा सा हल्का करूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे एंड जो भी है सारा सिनेरियो बताते हैं। तो चलो सो गाइज, अभी एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मैं चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, हालांकि आप लोग के लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती होगी, बहुत कम लोग के लिए मैटर करती होगी वो चीज़, एंड मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो चीज़। कैम मेरे आईपैड में स्टोरेज नहीं है एंड जो कैमरे से फुटेज निकलती है वो तीन तीन चार चार पाँच पाँच जीबी की निकलती है, तो एक जो फुटेज है मेन फुटेज वो मेरे आईपैड में आ ही नहीं रही है। एक ब्लॉग है मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी जो मेन फुटेज है, एक सेकंड मैं आपको दिखा दे दूँ, ये देखो ये पूरा ब्लॉग है, ये पूरा इसकी जो एक मेन फुटेज है ना वो फुटेज आ ही नहीं रही है इसमें। मैं कुछ भी कर लूँ इसमें, सब कुछ डिलीट कर दिया, सब कुछ कर दिया, आ ही नहीं रही है। मैं एक चीज़ ये बताने की कोशिश, मैं ये बता रहा था कि गाइस मेरे को एक आज एक और नया ब्लॉग बना, मतलब एडिट करके डालना है एंड ये चीज़ तो निकल ही नहीं रही है बाहर, इसको मैं अभी बैकअप में लेके क्या करूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस मुझे एक बहुत ही, मुझे ऐसा करना नहीं है बट स्टिल मुझे वो चीज़ करनी पड़ रही है। ये खाली एक फुटेज है जो नहीं आ रही है, 6 मिनट की एक फुटेज है और 5 GB की है, तो वो खाली एक फुटेज की वजह से मुझे ये पूरा व्लॉग जो है मेरा, कितने फाइल्स हैं, कितने हैं 13, मेरे को पूरा एक व्लॉग डिलीट करना पड़ रहा है क्योंकि एक वो एक फुटेज नहीं आ रही है, उस वजह से ये पूरा व्लॉग मेरे को डिलीट करना पड़ रहा है। तो सॉरी गाइस, ये वाला जो व्लॉग है ये व्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि मैं ये व्लॉग डिलीट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने ही। कुछ नहीं कर सकता गाइज, मैं ये एक व्लॉग की वजह से बाकी सारे व्लॉग मेरे अटक रहे थे क्योंकि बाकी बैकअप भी नहीं आ रहा था मेरे पास एंड बाकी जो मेरा डेटा है वो भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और ये पूरा एरिया जो घेर के रखा है मेरा, जो स्टोरेज घेर के रखा है वो अलग, तो उस वजह से मेरे को ये डिलीट करना पड़ा। मैंने ये व्लॉग अभी तक डाला नहीं है ना एडिट किया है क्योंकि वो जो मेन फुटेज है वो ही नहीं आ रही है मेरी बाहर, तो उस वजह से काफ़ी बुरा लगता है कि आप जब पूरा मेहनत करके पूरा दिन निकाल के आप अपना एक व्लॉग बनाते हो देन वो व्लॉग नहीं आ रहा है या वो व्लॉग बन ही नहीं पा रहा है, बहुत बुरा लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर नहीं होता है तो बुरा तो ऑब्वियसली लगता ही है। दूसरा डेटा ट्रांसफ़र करेंगे इसमें दूसरा व्लॉग का एंड वो एडिट करेंगे और अपलोड भी करना है वीडियो एंड काफ़ी सारे जो काम है वो करना, बस ये एक मेन चीज़ था गाइस जो मेरे को आपको शेयर करनी थी। बहुत मेहनत करके, बहुत माथा फूड़ी करके, इतना सर दुखवा के, इतना स्ट्रेस लेके एक व्लॉग बनता है और इतने स्ट्रेस में भी मैं व्लॉग बनाता हूँ वो बहुत छोटी बात नहीं है। अभी भी मेरा सर फट रहा है बट मैं ब्लॉग बना रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ चीज़ें, एंड जब रिस्पांस बहुत ज़्यादा नेगेटिव में आता है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम बराबर कर रहे हो, ऐसे नहीं कि चीट कर रहे हो या कुछ गलत कर रहे हो या लोगों को गलत दिखा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है सारा A to Z मैं अपनी लाइफ का सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि ये हो गया गाइज, आज वो हो गया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, जो भी है सब दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं छुपाता। झगड़ा हो गया झगड़ा भी बताता हूँ, शॉर्ट हो गया शॉर्ट भी बता देता हूँ, जो भी होता है सब कुछ बता देता हूँ, बट जब नेगेटिव में रिस्पॉन्स आता है ना तो बहुत बुरा लगता है। अभी फिलहाल चलते हैं अपना एडिटिंग वगैरह पूरा करते हैं, वीडियो को लगाते हैं अपलोडिंग पे, देन उसके बाद मिलते हैं फिर से आपसे। ओके सो गाइज, अभी जस्ट वीडियो एडिट हुई है एंड अपलोडिंग पे नहीं लगाई है, अपलोडिंग पे लगाऊंगा अभी जस्ट। मुझे खाली एक चीज़ का डर लग रहा है गाइस, आज के वीडियो में कॉपीराइट का डर लग रहा है, मुझे कॉपीराइट ना आ जाए कहीं पर, क्योंकि एक म्यूज़िक है उसके वजह से शायद कॉपीराइट आ सकता है, आई डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा,
अब वो तो देखना पड़ेगा कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा। अभी जस्ट काफ़ी टाइम से मैं लिटरली मैं बोलूँ कि पिछले आधे घंटे से लाइट गई हुई है एंड आधे घंटे से ये फ़ैन बंद है, ये डोर बंद है एंड ये विंडो वगैरह सब कुछ बंद है एंड गर्मी लिटरली इतनी हो रही थी। बट स्टिल मैंने वीडियो वगैरह एडिट की यहीं बैठ के, क्योंकि बाहर तो हो नहीं सकता क्योंकि ईयरफोन वगैरह आया नहीं, तो सीधा वॉइस में अपन बाहर बजा नहीं सकते, घर घर वाले सब सो रहे हैं। एंड आज का कुछ सीन भी है गाइज, आज कुछ अलर्ट है, हाई अलर्ट है कि हीटेड वेव्स चल सकती है। आज गर्मी सबसे ज़्यादा होगी आज के दिन में, हीटेड वेव्स चल सकती है या लू वगैरह चल सकती है। लू बोलते हैं अमूमन हमारे लैंग्वेज में, तो लू वगैरह चल सकती है ऐसा बोल रहे हैं। अभी पता नहीं, मैं तो गया ही नहीं हूँ सुबह से बाहर एंड फील हो रहा था मुझे बट यहाँ तक, क्योंकि ये फ़ैन बंद था ना तो मैंने विंडो ओपन की थी, जो गर्म हवा आ रही थी दूर मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये विंडो बंद रहने दो, ये विंडो बंद था तो ही अच्छा था। तो लिटरली मैं अभी तो मैं नहाया भी नहीं हूँ, अभी गर्मी था इसकी वजह से टी शर्ट वगैरह निकालते थे क्योंकि एकदम पसीने से लथपथ हो गया था मैं एकदम। अपलोड करने वीडियो अपलोड करता हूँ, नहा के आता हूँ, पानी भी बहुत गर्म होगा तो उसमें कोई जुगाड़ लगाएंगे, मटके वटके का पानी फल रखेंगे। खैर कोई नहीं, अभी चलते हैं नहा धो के आते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं आपसे वापस एंड बता सकते हैं कि आज दिखाते हैं कि आज रामनवमी का क्या सीन हो गया। सो गाइस, जिस चीज़ का डर था वही हुआ, मुझे लगा ही कॉपीराइट आएगा इस चीज़ में एंड कॉपीराइट आ गया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो कॉपीराइट आ गया। फटाक से मेरे को इसको वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा, इसको री एडिट करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को अपलोडिंग करना पड़ेगा। नहीं तो ये कॉपीराइट अगर ये मेरे चैनल में रह गया तो फिर मुझे आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा ये चीज़। जैसे कि आप जानते हो आज है अपना रामनवमी, तो रामनवमी का गाइज, अगर आपने आज रामनवमी में सूर्य अयोध्या में प्रभु राम जी को आज सूर्य तिलक हुआ था आज, तो आप लोग ने तो वो देखा ही होगा। जिसने भी नहीं देखा है मैं अगली जो क्लिप है मैं उसमें डाल दूंगा। ऐसा हुआ था अयोध्या में सूर्य तिलक, अब वो हमारी नसीब नहीं, हम खाली वीडियो में देख पा रहे हैं, हमारी नसीब नहीं जो हम आँख से अपने आँख से देख सकें वो सारी चीज़ें। एंड ये चीज़ें मैंने खुद ने शूट नहीं की, ये यूट्यूब पे मैं देख रहा था, तो ये मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखा दूँ। जिसने भी नहीं देखा रहेगा तो वो सनी राणा ब्लॉग्स पे देख ही लिया रहेगा, सनी राणा ब्लॉग्स पे देख लेगा। हालांकि मेरा नहीं है, किसी दूसरे मतलब यूट्यूब पर मैं स्क्रॉल मतलब यूट्यूब पर ढूंढ रहा था तो मुझे मिला, तो वही चीज़। तो मैं ये बता रहा था कि कितना क्या चीज़ क्या हो रहा रहेगा वहाँ पे उस टाइम पे जब ये सूर्य तिलक हुआ एंड देखने में कितना ज़्यादा वो लग रहा रहेगा। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं अभी कब होता है राम मंदिर जाने की घड़ियाँ, कब आती हैं, कब हो सकता है राम मंदिर जाने का प्लान। ठीक गाइस, हम बाहर भी जाएंगे, हमारे यहाँ मतलब यहाँ जहाँ मैं मंदिर जाता हूँ रोज़ बाबा जी का झोपड़ी हनुमान जी का मंदिर, तो वहाँ पर भी जाएंगे एंड रामनवमी का वहाँ पे क्या तैयारी है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी मैं थोड़े टाइम में निकलूँगा बस, अभी मेरे घर पे कोई भी नहीं है, तो कोई आ जाएगा तो उसके बाद मैं जाऊँगा, तो जो भी आपको दिखाऊँगा कि वहाँ का क्या तैयारी है। ओके सो गाइस, नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है एंड घर पे भी आ गए हैं, लोग गए थे मार्केट, देन उसके बाद फिर आए, फिर चले गए मार्केट पता नहीं किसी काम से, तो वो लोग अभी आए फाइनली। तो अभी मैं निकलता हूँ एंड जाता हूँ बाबा जी की झोपड़ी एंड वहाँ का थोड़ा बहुत शूट करके दिखाता हूँ आपको कि कैसा सजावट है क्या नहीं एंड जो भी रहेगा वहाँ का सिस्टम आपको दिखाएंगे। अगर कोई स्पेशल रहा तो आई डोंट थिंक सो, मतलब कुछ है क्या नहीं यार मुझे पता नहीं, बट अगर शूट कर पाया तो शूट करके दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा रश होगा तो नहीं दिखा पाऊँगा। तो जो भी सिस्टम है फिलहाल जाके आते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे, चलो। और गाइज, आज हमारी पूरी बिल्डिंग की देखो आप लाइट बंद है, पूरे बिल्डिंग की यहाँ से लेके वहाँ तक सब बिल्डिंग की लाइट बंद है, बट अभी तक क्यों बंद है क्या पता, मैं दिख रहा हूँ क्या क्या पता, बट ये बंद क्यों है क्योंकि वो जो एक छोटी छोटी है ना कीड़ी मतलब ऐसा मच्छर टाइप होता है, आपको दिखाता हूँ शायद, देखो ऊपर थोड़े से दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं क्या नहीं दिख रहे मुझे पता भी नहीं, दिखे ऐसे मच्छर सब जगह हो जाते हैं, मतलब फिर पूरे बिल्डिंग में जहाँ जहाँ लाइट चालू है ना वहाँ वहाँ ऐसे मच्छर हो जाते सब जगह, तो उस वजह से लाइट वाइट सब बंद रहता है पूरे बिल्डिंग का, ऐसे होता है पूरे बिल्डिंग का हम लोग लाइट बंद कर देते हैं ऐसे, तो अंधेरे में ही चलते हैं आज।
ओके सो गाइस, लिटरली मैं बोलूँ इतना मजा आया वहाँ पे, क्या बताऊँ मैं, हद हो गई मैं बोलूँ। लिटरली मैं एक चीज़ बताऊँ गाइस, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि इतना भाई इतना मजा आया ना वहाँ पे, क्या बताऊँ। मतलब कोई मतलब अनुमान ही नहीं यार, डूड वहाँ पे इतने लोग जमा हुए थे आज की क्या बताऊँ। एंड मैं लिटरली आपको जेन्युइनली एक चीज़ बताऊँ कि ना वहाँ पे ना आरती का समय होता है सवा नौ बजे समय होता है, और अभी आरती कितने बजे मैं आपको बताऊँगा, 10 बजे आरती हुई, लिटरली 10 बजे आरती हुई है। और जो भजन कीर्तन जो चल रहे थे ना बॉस भैया, एकदम ऐसा लग रहा था उठ के नाच ले अब तो सीधा भाई, एकदम कोई एक आधा पागल होगा नाचेगा, मैं को तो लगा था मैं ही ना कहीं बावरा हो जाऊँ, नाचने लग जाऊँ उठ के। जो हाथ वाते आप देखो पूरे घंटे, वो जो ताल होते ना बजाते मेरे हाथ में तो छाले पड़ गए लिटरली। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ, मतलब जो वाइब भाई, मतलब मैं बता ही नहीं सकता, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता उस चीज़ को। एंड रही बात शूट करने की, कि मैं शूट ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरे हाथ में था वो ताल, वो जो बजाने वाला वो ताल था, तो मैं शूट नहीं कर पाया और मेरे साथ कोई था भी नहीं, तो वो शूट करना चाहिए था डूड, कोई तो शूट किया होगा ना, वो एक मतलब वो किसी ने भी शूट ही नहीं किया यार, किसी ने भी शूट नहीं किया, कोई भी ऐसा शूटिंग वाला बंदा दिख ही नहीं जाता कि कोई बंदी या बंदा कोई शूट कर रहा हो, अगर कोई कर रहा होता ना मैं उससे पक्का लेके मैं डालता हूँ वो चीज़। खैर गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जो लिमिट्स थी वो जो सारी पुश कर दी 10:30 बजे में, अभी आया हूँ लिटरली वहाँ पे से, 9 बजे की आरती होती है, 9:15 बजे सवा दस को ऐसे कुछ वहाँ पे आरती स्टार्ट हुई, आरती भी जो खिंची है यार, मैं मज़ा आ गया लिटरली, लोग इतना खुश हो गए ना वहाँ पे, जो वाइब है ना मज़ा आ गया लिटरली, बहुत मज़ा आया बहुत ज़्यादा, मतलब इससे इतना मज़ा मुझे लाइफ में कभी आया नहीं होगा जितना मज़ा आया मेरे को, बहुत मज़ा आया, जो जाना था मेरा सफल हो गया, बहुत मज़ा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय। क्रॉस कर दिया अभी तो, बाकी